Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's class 2 science chapter 4 is about food. Okay, in this chapter we will study about food, about balanced diet, about sources of food and food groups. Okay, so let's get started. Food is one of the basic need of life. Okay, in class 1 we have studied that food is one of the basic need. हमारे जिंदगी की बहुत ही important need है, बहुत ही मूलभूत जरूरत है, ठीक है? We eat a particular type of food at a particular time in a day. We call them meals. Okay? जब हम कोई भी खाना, एक particular type का खाना, एक particular time पर खाते हैं, एक particular समय पर खाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे meals कहते हैं. Okay? There are three types of meals in a day: breakfast, lunch, and dinner. ठीक है? कितने types of meals हैं? How many types of meals are there? There are three types of meals in a day. Okay? आपका हो गया ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ओके, सपोज वी ईट पराठा. ओके, वी ईट पराठा इन अ ब्रेकफास्ट. इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हम क्या कहते हैं? पराठा खाते हैं. लंच में हम क्या कहते हैं? वी ईट राइस, दाल एंड सब्जी. ओके, वेजिटेबल. और हम डिनर में क्या खाते हैं? हम खाते हैं चपाती एंड सब्जी. ओके, चपाती एंड सब्जी. ओके, तो ये क्या हो गई? ये हो गए हमारे पर्टिकुलर टाइप के फूड एट पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो दीज आर मील्स. इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट. सुबह हम क्या खाते हैं? सुबह जो हम खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं. इन द आफ्टरनून वी हैव लंच. आफ्टरनून में हम क्या खाते हैं? वो हम लंच खाते हैं. जो हम खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं. एट नाइट वी ईट डिनर. रात को हम क्या खाते हैं? रात को जो हम खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर. ओके, Now our next is need for food, means food की जरूरत. The question arises, why do we need food? Okay, this is one of the important question. Okay, important question is why do we need food? Okay, or why do we eat food? Okay, the answer would be same for both questions. We need food to stay alive. The basic answer, the common sense answer is we need food to stay alive. हम food क्यों खाते हैं? हम जिंदा रहने के लिए food खाते हैं. Okay? Because it is the basic need. ये क्या है? हमारी basic need है. Okay? The food we eat gives us energy to work, play, study, think and do many other activities. Food क्या करता है? Food हमें energy देता है. क्या क्या करने के लिए? काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ सोचने के लिए. ओके, एनीथिंग वी डू नीड्स एनर्जी. जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है फूड से. ओके, किससे मिलता है? फूड से, खाने से. हेल्दी फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, रिमेन फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. ओके, हेल्दी फूड जो होता है वो हमें बड़े होने में हेल्प करता है. ओके, फ्रॉम चाइल्ड To becoming adult, our body structure changes. Okay, our height changes, our weight changes. क्या होता है? Healthy food खाने से हमारी height change होती है, हमारा weight change होता है, हमारा body structure जो होता है वो change होता है. वो सब healthy food के कारण होता है. Okay, healthy food और क्या करता है? हमें healthy रहने में help करता है. ठीक है, हम fit रहते हैं, हम energetic feel करते हैं, active feel करते हैं. Okay, we feel active, we feel energetic. Okay. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. ये हम क्या करता है? ये हमें डिफरेंट तरह की बीमारियों से भी बचाता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ फूड. फूड के सोर्सेज कहाँ हैं? फूड कहाँ से मिलता है? द क्वेश्चन कुड बी वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम. ओके, हमें फूड कहाँ से मिलता है? This one is important question, one of the important question. Okay, okay. Food sources क्या हैं? There are two types of food sources, plants and animals. Okay, we get food from plants and animals. We get fruits, vegetables and pulses from plants. हमें क्या क्या मिलता है? हमें plants से fruits मिलते हैं, vegetables मिलते हैं यानी सब्जियाँ, हमें grains मिलते हैं या cereals मिलते हैं, अनाज. Okay, हमें seeds भी मिलते हैं.
ठीक है, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, ये सब प्लांट गिविंग प्लांट्स वाले हैं, ओके, फूड दैट गिव अस प्लांट्स। वी गेट मिल्क एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, हमें मिल्क एग्स एंड मीट किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, ओके, मिल्क एग्स मीट, ओके, ये सब किससे मिलते हैं, ये सब हमें मिलते हैं एनिमल्स से। फूड मेड अप ऑफ मिल्क इज कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, जो कि फूड, जो फूड मिल्क से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। फूड फूड्स दैट आर मेड बाय यूजिंग मेड अप ऑफ मिल्क, ओके, आर मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, ये हो गए हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स। वी कॉल देम डेयरी प्रोडक्ट्स टू, ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फूड ग्रुप्स, ओके, हम अब फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर देयर, कितने फूड ग्रुप्स हैं, ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स, ओके, कितने तरह के फूड ग्रुप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड्स, फूड ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनर्जी गिविंग फूड, ओके, वी नीड एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी और एनी अदर एक्टिविटीज, हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके, वेदर इट इज वर्क, वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर प्लेइंग, वेदर यू आर स्टडिंग और एनी अदर एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, वी नीड एनर्जी फॉर दैट, ओके। फूड आइटम्स दैट गिव अस एनर्जी आर एनर्जी गिविंग फूड, वैसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, पावर देते हैं, वो क्या होते हैं, वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, सच फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, शुगर, बटर, पोटैटो, घी, हनी, ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल एग्जाम्पल्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स। सच फूड्स गिव्स अस एनर्जी, वी डू नॉट फील स्लीपी, ओके, वी डू नॉट फील स्लीपी, ओके, हमें नींद नहीं आती है, ओके, वी फील एक्टिव, वी फील एनर्जेटिक, इन सब से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ये सब क्या हो गया, ये सब एनर्जी गिविंग फूड के प्रॉपर्टीज हो गए, ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स। नाउ वी हैव बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड आइटम्स दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, वैसे फूड आइटम्स जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को जो चेंज होता है, जो आर हाइट गेट अफेक्टेड, ओके, आर वेट गेट अफेक्टेड, ये सब क्या होता है, ये सब होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स के कारण, ओके, आर बोन्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाने से क्या होता है, हमारे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू रिपेयर एनी डैमेज पार्ट, ओके, If we fall somewhere, we get damaged, we get cut, or we get any harm, okay, it helps us to repair those parts. उससे क्या होता है, वो हमें उन चीज़ों को repair करने में help करता है, okay? When we fall somewhere, our cells get damaged, okay? Our cells get damaged. ये क्या करता है, bodybuilding food उन्हें repair करने में help करता है, okay? क्या करता है, उन्हें repair करता है. दे ऑल्सो मेक आर टीथ स्ट्रॉन्ग, वो क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या करते हैं, वो हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एग्स मीट फिश पल्सेज एंड नट्स, ओके, जैसे कि आपका हो गया दूध, हो गया दूध, मिल्क जो होता है वो बोन्स एंड टीथ दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, आपके एग्स हो गए, मीट हो गए, फिश पल्सेज मतलब दाल आपके हो गए, नट्स लाइक आमंड्स, लाइक कैश्यूज, ये सब क्या होते हैं, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, ये सब हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, ओके, वेट लिफ्टर्स,
या जो लोग जिम जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बॉडी बिल्डिंग फूड खाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. ओके, फूड आइटम्स दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. वैसे फूड जो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं और हमें डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ओके, सच फूड हेल्प अस टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस. फाइट फ्रॉम डिजीजेस ये हमें फाइट करने में हेल्प करते हैं. ओके, दे डो नॉट लेट अस फॉल इल ये हमें बीमार होने से बचाते हैं. ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फ्रूट्स. वेजिटेबल्स हो गए, आपकी सब्जियां हो गई, एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज फूड ग्रुप्स फाइबर एंड वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी. ओके, फाइबर प्रोटेक्टिव फूड्स के अलावा फाइबर एंड वाटर भी जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए. ओके, फाइबर इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डाइट. फाइबर क्या है, वो हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डाइट मीन्स हमारे खाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी. ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो कचरा होता है वो निकालने में हेल्प करता है. ओके, थ्रोइंग आउट वेस्ट मीन्स क्या हुआ, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होता है, वो जब हमारी बॉडी को मिल जाता है उसके बाद जो बचता है वो होता है वेस्ट. ओके, तो फाइबर क्या करता है, ये वो उन्हीं वेस्ट को थ्रो आउट करने में हेल्प करता है. फाइबर इन फूड्स हेल्प द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. जो खाने में जो फाइबर होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. डाइजेशन मीन्स क्या हो गया, अगेन थ्रोइंग आउट वेस्ट. ओके, तो जो हमारा फाइबर होता है वो इसी चीज में हेल्प करता है. मोस्ट वेजिटेबल्स फ्रूट्स पल्सेज एंड ग्रेन्स प्रोवाइड फाइबर. बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपके दाल हो गए, ग्रेन्स हो गए, मतलब अनाज, वो क्या करते हैं, वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट वाटर. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट वाटर. मोर देन हाफ ऑफ आर बॉडी कंटेन वाटर. आधे से ज्यादा हमारे बॉडी में क्या है, पानी है. 70% हमारे बॉडी में क्या है, वाटर है. ओके, आर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर. हमारे बॉडी को पानी की जरूरत होती है हर रोज. ओके, 70% वाटर है तो उतना हमें मेंटेन रखना जरूरी होता है. वी नीड टू मेंटेन दैट परसेंटेज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर क्या करता है, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इफ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर वी गेट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम. क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. तो कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, प्रॉब्लम इन डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन के कारण. ओके, सो वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन, ककम्बर, ऑरेंज, पाइनएप्पल एट्सेट्रा कंटेन वाटर. ओके, ये सब क्या हो गए, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अक्सर आपको समर सीजन में मिलेंगे. कौन से सीजन में, समर सीजन में. बिकॉज समर में क्या होता है, बहुत ही गर्मी होती है, हमारे बॉडी से जो होता है पानी बहुत ही ज़्यादा सूखता जाता है. ओके, हमारे बॉडी में जो है पानी कम होता जाता है. दैट्स वाई वी नीड टू ईट सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन, आपका हो गया तरबूज, ककम्बर यानी खीरा, ऑरेंज यानी कि आपका हो गया संतरा, पाइनएप्पल, ये सब क्या होते हैं, ये सब इन सब में वाटर होता है. ओके, वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे. हर दिन हमें एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर पीना ही चाहिए. ओके, इट हेल्प्स टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आर बॉडी. ओके, आर लास्ट टॉपिक इज अबाउट बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट. टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एक्टिव वी नीड टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स इन द राइट क्वान्टिटी. ओके, हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी रहने के लिए हमें सभी फूड ग्रुप से खाना थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी है, बट इन राइट क्वान्टिटी. ओके, राइट क्वान्टिटी में अ मील, वैसा खाना दैट इंक्लूड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. वैसा मील
जिसमें कि एनर्जी गिविंग फूड के फूड्स भी अवेलेबल हों, जिनमें कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी हों और प्रोटेक्टिव फूड्स भी हों, उन्हें हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ओके, हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए कि थोड़ा सा हम उसमें से थोड़े से हम एनर्जी गिविंग फूड्स ले लें, थोड़े से हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स ले लें, थोड़े से हम प्रोटेक्टिव फूड्स ले लें। ओके, हम वैसा पूरे दिन में खाएंगे तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दीज, फाइबर एंड वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फाइबर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स, ओके, अबाउट न्यूट्रिएंट्स यू विल स्टडी इन लेटर क्लासेस। दिस वॉज आर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट अस एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।